Hey guys, this is Priyank. Welcome to Safarkhana and welcome to New Delhi. Yes, today we are at New Delhi and we have come here for a very special reason. Okay, so at 4 baje utke I got ready, then took a train from Lucknow to New Delhi. Tejas se aaya specially for this event going on inside the Jawaharlal Nehru Stadium. This is the biggest food carnival ever, Zomaland by Zomato. Sale pues innovando. Son más de 30 años que llevamos instalados gobernando y lo debemos al señor que está guardado. No es fácil la tarea, pero sabemos trabajar ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás. Estatura bajita, traemos puesta la camisa, ya sabrán de qué bandera, pues arriba la chapiza. No nos quedamos. Abhi Sunday ka din hai. दोपहर के 2:30 बजे तो धीरे धीरे एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादा क्राउड आएगी, बट हाँ ऑलरेडी लोग आने लग गए हैं और भीड़ भाड़ होने लग गई है. ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड पर्पल का. Para donde seguimos atorando toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando responsabilidad grande ahora. तो ये है बैंड दुबई Zomaland. Fasten your eat belts. I like this. Ya llega, ya saben que aquí no hay mermas. Medios de alta frecuencia, líder comunicación es la línea más veloz en uno. So Zomaland is a food carnival or festival which is organized by Zomato, the food delivery app. और अभी चल रहा है सीजन 3 जिसका डेली लेग मैंने अटेंड किया था. इसके पहले पुणे, मुंबई एंड अहमदाबाद में भी ये इवेंट्स हो चुके हैं. इस इवेंट में प्रोमिनेंटली आपको फूड और कई तरह के गेम्स के स्टॉल्स मिलेंगे. और इस बार न्यू डेली लेग में 70+ फूड ब्रांड्स ने पार्टिसिपेट किया था. और इस इवेंट का मेन अट्रैक्शन होता है शाम को होने वाले परफॉर्मेंसेस, जिसमें इंक्लूडेड है स्टैंड अप कॉमेडी, बैंड परफॉर्मेंसेस एंड कॉन्सर्ट्स, जिसमें इस बार बी प्राक का कॉन्सर्ट हुआ था. सबसे ज़्यादा क्राउड इसी शॉप पे है और यहीं पे हम लोग पोटैटो ट्विस्टर खाने जा रहे हैं. एंड आई हैव 3-4 पीपल अलॉन्ग विद मी. दिस इज माई फ्रेंड रिजुता फ्रॉम कॉलेज और ये सब साथ के हैं. कैसे निकलेगा ये? ऐसे ही निकलेगा तोड़ तोड़ के. पूरा निकलता ना वो बात होती है यार, वो टेस्ट अच्छा ही है. क्या होता है? कुछ कहना चाहेंगी आप? वो तो हम घूमने के बाद कहेंगे. और एक मेक्सिकन एंड चाइनीज स्पाइसेस. क्या ऑर्डर किया हमने? नूडल्स, फ्रैंकी और प्लेन नूडल्स, चाइनीज वन. रोल में नूडल्स आ जाएंगे अंदर. एज अ फूड ब्लॉगर आई एम हर्ट कि ऐसी चीजें हम लोग खा रहे हैं. ये आए हैं घर में बने मैगी नूडल्स. यस, 300 रुपए में ये 15 रुपए में पहाड़ों में मिल जाएगी मैगी. ठीक है, मशरूम्स हैं, वेजीज हैं. ठीक है, थोड़ा स्पाइसी इसलिए मुझे अच्छा लग गया, अदरवाइज इट्स ओके. नूडल्स हैं. रोल्स का दूसरा भाई है, बड़ा भाई है. कैसा है बड़ा भाई? जस्ट लाइक स्प्रिंग रोल्स. रोल्स किंग. खाने इसमें से कुछ? हाँ, एक रोल तो लेते हैं, ट्राई करते हैं. पोटैटो आलू नहीं है. पोटैटो आलू नहीं है. तो ये नया कोई, ये कुछ नया ढूंढा है? प्याज अनियन वाला भी नहीं है ना. सो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग यूनिक, कुछ डिफरेंट जो टेस्ट करे. तो सब सिमिलर है, वही पिज्जा बर्गर और वही सब चीज़ें मिल रही हैं. अब यहाँ पे क्राउड बढ़ता जा रहा है, लाइक हर तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड है. अभी ऑलरेडी फुल लग रहा है पूरा एरिया. क्या क्या क्या? अच्छा, जाओ जाओ जाओ. ये चीज़ केक से हाथ मिलाते हुए क्या बात है. अच्छा, अंदर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं. Por ahí los fascina la guerra bien fajada personalizada, cachas de pantera. Tiro arriba por si tú eres reglamentaria, si hay ofensa. Tolerante, no te enredes, si no ya va. Tres cheesecakes le han logrado. Red velvet, rainbow and chocolate. Where's blueberry? Blueberry शायद हमने लिया ही नहीं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, that's fine. हाँ? अरे फोटो लो, फोटो क्लिक हो गई तुम्हारी, वीडियो बन गया, फोटो की जरूरत नहीं है. फोटो खिंचवानी है. और इस तरह मेरे मुंह तक आई हुई पेस्ट्री फोटो खिंचवाने के लिए चली गई. ये है रेनबो पेस्ट्री. मुझे कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐसा बचपन में हम लोग खाते थे, मल्टी टेस्ट वाला कुछ. कैंडीज खाते थे हम, पॉपिंग ज्यादा था, कलर्स वाले. चीज केक एंड कंपनी के पेस्ट्रीज आर वेरी गुड. रेड वेलवेट एंड रेनबो दोनों बहुत अच्छी लगी. पास्ता लविस्ता, लाइफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड पास्ता. कॉन्सर्ट होने वाले हैं, बी प्राक आने वाले शाम को, उसकी तैयारियां हो रही हैं. तो बीट्स, ड्रम्स सब सुनाई दे रहा होगा. ये लोग पास्ता ही ऑर्डर कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, देखता हूँ. कौन सा? एक फार्म हाउस बर्गर भी है हमारा दोस्तों. बहुत मिक्स चीज है. अगर प्लेट में मिलता ना द फार्म हाउस बर्गर फ्रॉम
पास्ता ला वेस्टा। Why are you so excited? इतना सारा खाना खाना है। खा लो उठा के खा लो। फोटो खींचे इनके साथ। वेगन ट्राई करते हैं? नहीं। चॉकलेट ट्राई करनी है? नहीं। प्लीज फ्राइज ये तो खा चुकी हो भी। ये ट्राई करना है तुम्हें। ड्राई आइस। लड़कियां एक के ऊपर एक बैठ गई हैं। पीछे वाली खा रही है, अपना वेट बढ़ा रही है, मतलब एनर्जी बढ़ा रही है हम लोगों को। भगवान क्या होगा इनका। ये लग रहा है जैसे कोई ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है किसी को, है ना। हाँ यार, तुम्हें जरूरत है ऐसा ग्लूकोज। येलो वाला ब्लड आ रहा है तुम्हें जो थी नहीं। ओ अरे 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 अरे, ये ब्लू ओशन मिंट है, सब कुछ है फ्रेश फ्रेश। मैंने अभी टेस्ट किया, करंट वाला। शौक लग गया। कौन सा फ्लेवर, कौन सा है? खून है, खून बढ़ रहा है लोगों का। और मैं तो बहुत शांति प्रिय हूँ, एकदम पोषण। शाम हो चुकी है, सब कुछ बहुत ही कलरफुल लग रहा है, लाइट्स हर जगह पे हैं। तो अब हम हेडिंग टू द कार्निवल सिटी सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं, टॉप शॉट, बॉल बेबी बॉल। ओके, बॉल बेबी बॉल का वर्जन है बॉल बेबी बॉल। यहाँ के ज्यादातर गेम्स में आपको एम करना था, जहाँ पे बॉल को या किसी चीज को आपको टारगेट करना है या फिर आपको पॉकेट करना है। खेलना है तुम्हें भाई? ये बच्चों वाला खेल है। मैं बचपन में बहुत खेले हैं, घर में खिला दूंगी ऐसे कप्स वप्स रख कर। मारो बेटा, मारो बेटा। हाँ, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। कर रही है लड़की, ये ट्राई कर रही है, देखें क्या होता है इसमें। सर जब भी बंदा जीत सकता है जब सायरन का प्लग हो। अच्छा, प्लग हटा दे तब जीतेंगे। अगले 10 सेकंड में गई। 3, 2, 1, 0 और ओ वाओ, शी सर्वाइव्ड। वैसे अच्छा कर गई गई गई, देखा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं पीछे वाले सेक्शन में आया हूँ। पीपल आर लाइक टायर्ड, दे आर सिटिंग ऑन द फ्लोर एज वेल। वी आर आल्सो टायर्ड। Fragmentación, parque limitado, balas expansivas, ya saben, M60, una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos, parque limitado, balas expansivas, ya saben. इन दोनों ने चिकन शवरमा ले लिया है, बट हम लोग को खाना है मोमोज खाने हैं। मोमो बाउजी, बाउजी है ना कि बाउजी मोमोज है। Which ones? कौन से लेने हैं? पनीर, चिकन? इस स्टॉल पर बहुत भीड़ थी और हमको करीबन आधा घंटा इंतजार करना पड़ा हमारे ऑर्डर के लिए। ऑर्डर में मिला। वाओ, देखने में तो यार बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं ये ज़्यादा गर्म। क्या बात है, या कि आना बोलता त्रास, सातुरा बाहिता तमोस पस। ठीक है, मोमोज ठीक ही हैं, एवरेज से थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं। मे बी बिकॉज की ऑर्डर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इसलिए ऐसे हैं। और फिर रात को 9 बजे स्टार्ट हुआ दिन का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट बी प्राक, जिसमें बी प्राक ने अपने सबसे फेमस सॉन्ग्स जैसे कि रांझा, केसरी और मन भरिया गाया। इवेंट बहुत ही मज़ेदार रहा और शाम उतनी ही यादगार रही। ऑल इन ऑल ज़ोमालैंड में बहुत मज़ा आई और मैं ये इवेंट फिर से विजिट करना चाहूँगा।